ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत तीनों ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार हैं। ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व, पितरों का तर्पण। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे सुखी रहते हैं। स्नान और दान, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान करना और दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है और पापों का नाश होता है। तीर्थ यात्रा, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तीर्थ यात्रा करना भी लाभकारी माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ी कथा, इस दिन भगवान परशुराम ने अपने सभी सौतेले भाइयों का वध कर दिया था। बाद में उन्होंने अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा की और पितरों का तर्पण किया। शनि जयंती, शनि देव का जन्म। शनि जयंती शनि देव के जन्म दिन के रूप में मनाई जाती है। शनि देव को कर्म फलदाता माना जाता है। शनि देव की पूजा, शनि जयंती के दिन शनि देव की पूजा करने से शनि की दशा से राहत मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शनि जयंती से जुड़ी कथा, शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं। जब शनि देव का जन्म हुआ था तब उनकी काली छाया के कारण सभी देवता भयभीत हो गए थे। भगवान विष्णु ने शनि देव को शांत करने के लिए अपना चक्र चलाया जिससे शनि देव की छाया का प्रभाव कम हो गया। वट सावित्री व्रत भारतीय पौराणिक कथाओं की विशाल पृष्ठभूमि में सावित्री और सत्यवान की कहानी प्रेम और भक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। सावित्री का सतीत्व, वट सावित्री व्रत पतिव्रता सावित्री के सतीत्व और पतिव्रता का प्रतीक है। सावित्री द्वारा यमराज को पराजित करना, वट सावित्री व्रत के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाने में सफलता प्राप्त की थी। सुख सौभाग्य की कामना, वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। वट वृक्ष को पूजे सलोने हाथ, सुहाग अखंड जीवन साथ, सती सावित्री का जयकार, पति की लंबी आयु निहार। वट सावित्री व्रत के माध्यम से देखी जाने वाली यह कहानी एक महिला की ताकत का एक शक्ति प्रतीक है। यह प्यार से भरपूर और मृत्यु के आलिंगन को भी चुनौती देने की उसकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। सावित्री की अटूट भावना पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। वह प्रेम से प्रेरित होकर मानवीय इच्छा शक्ति की क्षमता का प्रतीक है। जब हम सावित्री और सत्यवान की कहानी में उतरते हैं तो हम केवल अतीत की यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं, इसके बजाय हम कालातीत ज्ञान को उजागर करने की तलाश में हैं। हम यह पता लगाएंगे कि कैसे ये प्राचीन किस्से हमारे आधुनिक जीवन में गहरा महत्व रखते हैं, जो हमें मजबूत रिश्तों में सफलता प्राप्त की थी। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वट वृक्ष को पूजने से सुहाग अखंड और जीवन साथी की लंबी आयु की कामना की जाती है। सती सावित्री का जयकार, पति की लंबी आयु निहार। वट सावित्री व्रत हिंदू परंपरा में एक पोषित पालन सावित्री के असाधारण प्रेम का जश्न मनाता है। पूरे भारत में विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए रखती हैं। बरगद का पेड़ दीर्घायु और शक्ति का प्रतीक इस पवित्र अनुष्ठान में केंद्र स्तंभ लेता है। महिलाएं बरगद के पेड़ को सिंदूर, हल्दी और चंदन के लेप से सजाती हैं, जो समृद्धि और वैवाहिक आनंद का प्रतीक है। वे इसकी सूंड के चारों ओर पवित्र धागे बांधती हैं। प्रत्येक फेरा उनके पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करता है। सावित्री की अटूट भक्ति की कहानियों को सुनाया जाता है, जो महिलाओं को अपने जीवन में उनके साहस और लचीलापन को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। व्रत केवल एक कर्मकांडी प्रथा से कहीं बढ़कर है। यह विवाह में लिए गए व्रतों जीवन की यात्रा के माध्यम से साहचर्य और अटूट समर्थन के वादों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। बरगद का पेड़ अपनी विशाल जड़ों और आश्रय देने वाली शाखाओं के साथ इस स्थायी बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। वट सावित्री व्रत परंपरा में पाई जाने वाली ताकत का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे प्राचीन रीति रिवाज तेजी से बदलती दुनिया में सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यह हमें उन मूल्यों की याद दिलाता है जो वास्तव में मायने रखते हैं, प्रेम, प्रतिबद्धता और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति। राजा अश्वपति की खूबसूरत राजकुमारी सावित्री अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जानी जाती थी। जब पति चुनने का समय आया तो सावित्री ने एक योग्य साथी की तलाश में तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसका हृदय ऐसे प्रेम के लिए तरस रहा था जो वंश या धन से कहीं अधिक गहरा हो। उसकी मुलाकात निर्वासित राजकुमार सत्यवान से हुई, जो अपने अंधे पिता राजा द्युमत्सेन के साथ जंगल में एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। सत्यवान हालांकि अपने राज्य से वंचित था,
एक नेक दिल और अटूट सत्यनिष्ठा रखता था। सावित्री ने उसके चरित्र के वास्तविक मूल्य को पहचानते हुए सत्यवान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। लौटने पर सावित्री ने अपने पिता को अपनी पसंद के बारे में बताया। दरबार हैरान रह गया। सत्यवान अपने कुलीन वंश के बावजूद एक विनम्र साधु की तरह रहता था। हालांकि एक ऋषि ने एक दुखद सच्चाई का खुलासा किया, सत्यवान को एक साल के भीतर मरना तय था। राजा अश्वपति भविष्यवाणी से तबाह हो गए। सावित्री से पुनर्विचार करने की विनती की। उसने उसे विलासितापूर्ण जीवन और देश के किसी भी राजकुमार को चुनने की पेशकश की। फिर भी सावित्री का दिल दृढ़ रहा। उसने सत्यवान को उसके भाग्य को जानकर चुना था और उसका प्यार नियति की सनक से नहीं डिगेगा। सावित्री मौत की आहट से बेफिक्र सत्यवान के साथ अपने जीवन को अपना लिया। वह जंगल में चली गई, अपने पति और उसके पिता की अटूट भक्ति के साथ सेवा कर रही थी। उसके दिन प्यार और हंसी से भरे हुए थे, फिर भी भविष्यवाणी ने उनकी खुशी पर एक उदास स्वर डाल दिया। सावित्री ने स्वयं भाग्य को चुनौती देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खुद को कठोर तपस्या में डुबो दिया। उसने कठोर व्रतों का पालन किया, लगातार उपवास किया और अडिग विश्वास के साथ प्रार्थना की। सत्यवान के लिए उसके प्यार ने उसके संकल्प को हवा दी, जिससे उसे अपरिहार्य का सामना करने की ताकत मिली। जैसे जैसे मनहूस दिन नजदीक आता गया, जंगल में एक अनहोनी की आशंका छा गई। सावित्री ने अपने हृदय में एक पूर्वाभास के साथ सत्यवान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वह उसके साथ जंगल में गई। उसका प्यार नियति के अनदेखे हाथ के खिलाफ एक मूक ढाल था। जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की बाहों में गिर पड़ा। जैसे ही सत्यवान का जीवन समाप्त हुआ, सावित्री की दुनिया उसके चारों ओर बिखर गई। फिर भी कुचलते हुए दुख के बीच उसकी आत्मा अटूट रही। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अचानक एक आकृति पतली हवा से निकली, एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। ये यमराज थे, मृत्यु के देवता सत्यवान की आत्मा को लेने आए थे। सावित्री उसकी आंखें दुख और अवज्ञा के मिश्रण से भरी हुई थीं, यम के सामने खड़ी थीं। उसने अपने पति को ले जाने से मना कर दिया। यम सावित्री की अटूट भक्ति से प्रेरित होकर उसे सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी वरदान देने की पेशकश की। सावित्री ने अपने तेज दिमाग और अडिग संकल्प के साथ यम को बुद्धि की लड़ाई में उलझा दिया। उसने चतुराई से अपने गुणों की प्रशंसा की, न्याय और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला। उसने कुशलता से अपने अनुरोधों को अपनी प्रशंसा में बुना। ऐसे वरदान मांगे जो अप्रत्यक्ष रूप से यम के फैसले को चुनौती देते थे। उसने अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उसके राज्य की बहाली के लिए कहा। यम उसकी बुद्धि और भक्ति से प्रभावित होकर आसानी से मान गया। हर वरदान के साथ सावित्री चतुराई से अपने अंतिम लक्ष्य सत्यवान के जीवन के करीब पहुंच गई। यम अपनी ही घोषणाओं के जाल में फंसकर खुद को न्याय और धार्मिकता की अपनी ही भावना से बंधा हुआ पाया। सावित्री ने यम की उदारता का फायदा उठाते हुए सत्यवान के वंश को आगे बढ़ाने के लिए 100 पुत्रों की कामना की। यम उस जाल से बेखबर जिसमें वो खुद चल रहा था, उसकी इच्छा पूरी कर दी। उस समय सावित्री ने एक कुशल रणनीतिकार की चतुराई के साथ अपनी अंतिम प्रार्थना की। उसने यम को उसके वरदान की याद दिलाते हुए सवाल किया कि कैसे एक समर्पित पत्नी अपने पति के बिना 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। यम ने अपनी गलती को महसूस करते हुए खुद को सावित्री की भक्ति और बुद्धिमत्ता के जटिल जाल में फंसा हुआ पाया। उसने सावित्री के अटूट प्रेम और अपने ही सिद्धांतों के उसके चतुर जोड़ तोड़ को स्वीकार किया। उसके दृढ़ संकल्प से पराजित होकर यम ने मान लिया। उसने सत्यवान को उसका जीवन वापस दे दिया, उसकी आत्मा को मृत्यु की बेड़ियों से मुक्त कर दिया। सावित्री, उसका चेहरा विजय से खिल उठा, यम को प्रणाम किया। उसके प्यार ने मौत पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। जंगल भक्ति के इस असाधारण प्रदर्शन का मूक गवाह आनंदित होता प्रतीत हुआ, क्योंकि जीवन सत्यवान में लौट आया। यम एक नश्वर स्त्री के प्रेम से परास्त होकर सावित्री और सत्यवान पर अपना आशीर्वाद दिया। उसने उसकी अटूट भावना की प्रशंसा करते हुए उसे भक्ति और पत्नी के समर्पण के एक चमकते हुए उदाहरण के रूप में पहचाना। उसने घोषणा की कि उनकी प्रेम कहानी समय के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। सत्यवान सावित्री की बाहों में होश में आ गया। वह चकित था। उसे अपनी मृत्यु से मुलाकात की कोई याद नहीं थी, लेकिन सावित्री के चेहरे पर चमकता आनंद बहुत कुछ कह रहा था। उसने अविश्वसनीय घटना सुनाई और सत्यवान ने विस्मय से सुना। उसका हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। साथ में वे घर लौट आए, जहां उनका स्वागत खुशी और राहत के आंसुओं के साथ किया गया।
भविष्यवाणी को टाल दिया गया था। उनका प्यार तमाम बाधाओं के खिलाफ विजयी हुआ था। सावित्री की अदम्य भावना ने न केवल अपने पति को बचाया बल्कि अपने परिवार के सम्मान और राज्य को भी बहाल किया। सावित्री और सत्यवान की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने आशा की किरण के रूप में काम किया, लोगों को याद दिलाया कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता है और मृत्यु भी इसकी अटूट शक्ति के आगे झुक जाती है। सावित्री और सत्यवान की कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, यह मानवीय भावनाओं और प्रतिबद्धता की शक्ति की गहन खोज है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार जुनून के क्षणभंगुर क्षणों के बारे में नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो जाए। तत्काल संतुष्टि से ग्रस्त दुनिया में मृत्यु के सामने भी सत्यवान के प्रति सावित्री की अटूट भक्ति एक शक्तिशाली औषधि का काम करती है। यह हमें साझेदारी का सही अर्थ सिखाता है। विश्वास, सहानुभूति और एक दूसरे की भलाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर बना एक बंधन। भाग्य को चुनौती देने का सावित्री का साहस हमें अपनी चुनौतियों का सामना उसी लचीलेपन के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित न कर सके, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, सावित्री और सत्यवान की कहानी कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रेम अपने शुद्धतम रूप में एक ऐसी शक्ति है जो सबसे दुर्जेय बाधाओं को भी जीतने में सक्षम है।